पीटीसी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल कावी बब्बर, तुसी देख रहे हो खास पेशकश माझा मालवा दुआबा। ते शुरुआत करांगे मालवा खेतर दीआं खबरां तों। लुधियाना नगर निगम खिलाफ सीवरमैन सफाई कर्मचारी संघर्ष कमेटी दे वल्लों मोर्चा खोल दिता गया है। निगम दे कच्चे मुलाजमां नूं पक्का करन दी मंग नूं लैके कच्चे मुलाजमां वल्लों धरने मुजाहरे कीते जा रहे हैं, जिस दे चलदियां कई दिनां तों नगर निगम दे दफ्तर दे बाहर कच्चे मुलाजम डटे हुए ने, जिन्हां दा इल्जाम यह है कि नगर निगम दे मेयर अते कमिश्नर दे वल्लों कच्चे मुलाजमां नूं पक्का नहीं कीता जा रहा, जिस कारण उन्हां नूं धरना लगाउण दी लई मजबूर होना पै रहा है। कच्चे मुलाजमां दा कहना है कि आउंदे दिनां दे विच उन्हां दे वल्लों वड्डे पद्धर उते संघर्ष विड्डिया जाएगा अते लुधियाणा दे मेयर दे पुतले भी फूके जाएंगे। उधर अकाली दल के वालों भी कच्चे मुलाजमान समर्थन दिता जा रहा है। अकाली दल के आगू विजय दानव का कहना है कि कच्चे मुलाजमान की आवाज सरकार के कन्ना तक पहुंचाने लिए इस संघर्ष को होर भी तिखा करेंगे। सरकार तक आवाज पहुंचाण वास्ते ही बैठते हैं जी, क्योंकि सरकार जिहड़ी आ अपनी ड्यूटी जिहड़ी आ ईमानदारी नाल नहीं निभा रही। खास तौर पर जिहड़ा नगर निगम लुधियाणा वा, इत्थे दा जिहड़ा मेयर आ उह बड़ा हट धर्मी आ, इत्थे जिहड़ी मैडम कमिश्नर आ उह बड़ी हट धर्मी आ, क्योंकि पहला माणयोग चन्नी साहब ने, उस तो पहला माणयोग सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने एक दिन का विधानसभा का सैशन बुला के मुलाजमान के आर्डर किए। मौजूदा सरकार ने भी 13/4/2022 नोटिफिकेशन जारी किया कि इन्हों पक्या कर दिता जाए। इस दे बावजूद भी जी इत नगर निगम आ, खास तौर पर जरा मेयर आ प्लस मैडम कमिश्नर आ, एडी हट धर्मी है, एडा हट धर्मी है कि सारी संघर्ष कमेटी जरा वा वो बुलाना भी जरूरी नहीं समझता। साड़ी मजबूरी हो जानी है कि हूँ असी जो सोमवार 4 तरीक न बहुत व्डा ऐलान जरा किया वा कि घंटा घर जरा वा वो सारा शहर ब्लॉक करके तो मेयर का जरा पुतला जरा वा वो सड़े जाए। इस तो बाद सारे पंजाब के जेडे असी बड़ी जल्दी पंजाब की जी मीटिंग वो बुला जा रहे हैं कि लुधियाने तो जरा संघर्ष शुरू होया वा ये पूरे पंजाब जरा वा वो फैला जाए। उधर सफाई मुलाजमां ते सीवरमैन कच्चे मुलाजमां दे हक दे विच श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी अपने फेसबुक अकाउंट इन्हां दे संघर्ष बारे लिखिया होया। उन्होंने ट्वीट भी किया है ते तुहानू दस दें की कुछ उन्होंने वालों माफ करना फेसबुक पोस्ट से की कुछ लिखा गया। कच्चे कामियां नू पक्का करन दे विच लगातार देरी कर रही आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार विरुद्ध लुधियाणा विखे सीवरमैन सफाई कर्मचारी संघर्ष कमेटी वालों म्यूनसीपल कारपोरेशन भवन विखे 26 दिनों तो धरने से बैठे मुलाजमान के नाल एकजुटता का प्रगटावा करदिया होया मैं पंजाब सरकार नू अपील करता हाँ कि जल्द तो जल्द सीवरमैन सफाई कर्मचारी माली बेलदार अते ड्राइवरां दियां मंगां मनियां जाण अते तुरंत उन्हां नूं पक्का कीता जावे। श्रोमणी अकाली दल अपने हक्कां दे लई संघर्ष कर रहे इन्हां कामियां दे नाल डट के खड़ा है, यह लिखा गया श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों। अगे वधियां खबर है बठिंडा तो, बठिंडा दे धोबियाणा रोड उते नजायज़ कब्जियां खिलाफ पुड्डा दे वल्लों कीती गई कार्रवाई दी। पुड्डा दे वल्लों नाजायज़ उसारी नूं हटाउण लई शुरू की गई मुहिम तहत वड्डी गिणती दे विच पुलिस फोर्स नूं नाल लै के दहाकियां तों कीते गए नाजायज़ कब्ज़ियां नूं हटाया गया। इस मौके लोगों ने कहा है कि कार्रवाई संबंधी उन्होंने कोई पहला नोटिस नहीं दिता गया अते प्रशासन ने अचानक आके कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर पुड्डा दे सीनियर अधिकारियों ने दस्सिया है कि जिस थान तो नाजायज़ कब्जे हटाए गए हैं उत्थे लिंक रोड की उसारी करवाई जानी चाहिए है अते नाल ही सड़क नूं चौड़ा किया जाना है, जिस करके ये कार्रवाई की जा गई है। उन्होंने कहा है कि लिंक रोड बनन नाल बठिंडा शहर नूं ट्रैफिक की समस्या तो निजात मिलेगी। इन्होंने बगैर दसे इतलाह करे सानू तोड़न आ गए घर, तो कहें भी सानू दिता इन्होंने कुछ, सिर्फ 4 नोटिस सानू इन्होंने 16 बना के दिते है,
एक गरीब बंदे नूं लालच दे के भी तेनूं दो दे दांगे वह दो करके 16 दिते। सिर्फ इन्हां नूं नोटिस पुछो किन्ने क्लीयर किए तोड़ता ही है जिहड़े नोटिस दिते आ इन्हां नूं कोई सानूं तरीक नहीं दित्ती उहदे विच कोई भी तरीक नहीं भी असीं अज ढाउण आणा कि नहीं कुछ नहीं दित्ता। अज इन्हां ने सिर्फ साडे समान देख लो तुहाडे सामने रोड ते पैगा की हाल इन्हां ने किया। एक कमरा उहदे च कोई रसोई नहीं लैणा नहीं देना कुछ भी नहीं। रिंग रोड जिहड़ी है तुहानूं पता बहुत साल तों बठिंडे दी हेल्ड अप है ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਮਾਰਕੇਟ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ EWF ਫਲੈਟ ਔਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੀਹੈਬਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਘਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਏ।